गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम एनिमेश। आज है 5 अक्टूबर का दिन और आज से जीडी बिरला सभागार में बहुत ही शानदार सी एक थिएटर फेस्टिवल जो है वो शुरू होने वाली है। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ थिएटर इन मोशन थिएटर फेस्टिवल जो आज से शुरू होने वाली है और 29 दिसंबर तक चलने वाली है। जी हाँ, हर शनिवार रविवार को आप जीडी बिरला सभागार में इस थिएटर फेस्टिवल का मजा ले सकते हैं। कई तरह के इंग्लिश और हिंदी प्ले का मजा जो है वो आप जीडी बिरला सभागार में ले सकते हैं। वैसे हमारे साथ इस वक्त है नन अदर देन एक्टर रजित कपूर, जो हमारे साथ इस वक्त रेड एफएम पे है। उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। रजित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम पे। सबसे पहले थैंक यू अनिमेश, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, दुर्गा पूजा के पहले, नवरात्रि के पहले दिन, बहुत ही शुभ दिन आपके साथ मेरी मुलाकात हो गई और बहुत ही शानदार सा एक थिएटर इन मोशन थिएटर फेस्टिवल जो है वो शुरू हो रहा है आज से। क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में? ये तो मेरी खुश नसीबी है और इसका जो सम्मान है और इसका जो प्रोत्साहन है, इसका जो इनिशिएटिव है, ये मिस्टर अनंत महापात्रा को इसका क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज पिछले 1.5 साल से वो इस एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं। मोर देन अ फेस्टिवल, इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन 3 सिटीज ऑफ इंडिया, बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता का। ये एक थिएट्रिकल संगम कहा जाए तो शायद सही होगा। और कलकत्ता की शुरुआत हम अपने नाटकों द्वारा कर रहे हैं, महुआ हिंदी में और वन ऑन वन अंग्रेजी में। सो आई एम हैप्पी एंड ऑनर्ड। वेल, महुआ की हम बातें करें, इस प्ले के बारे में जानना चाहूँगा, आज उसका प्रीमियर है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? महुआ, हमारी हिंदी लेखनी जो है वो मेरे ख्याल एक क्या कहते हैं, एक ऐसे पद पे आके रुक गई है। इट इज़ बिकम काइंड ऑफ स्टैटिक, एंड दिस इज फ्रेश राइटिंग। आकाश मोहिमन जिसने नाटक लिखा है, बड़े चाव से लिखा है, उसका स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने हामी भरी इसका निर्देशन करने के लिए। इट्स असेंशली लव स्टोरी, लेकिन ये ट्राइबल लव स्टोरी है। और ये लव स्टोरी होने के साथ साथ हमारी स्थिति, हमारी सामाजिक हालत, हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ कह डालती है। सो आई होप दैट पीपल विल कम एंड एंजॉय इट। थिएटर इन मोशन की जब हम बातें कर रहे हैं, इतना शानदार सा फेस्टिवल जो है वो शुरू हो चुका है जो 29 दिसंबर तक चलने वाला है। बहुत सारे कलाकार हैं जो इस फेस्टिवल के साथ जुड़े हुए हैं, उनके नाम अगर आप बताना चाहें। सबके नाम तो मैं जानता नहीं, मुझे सिर्फ पता है कि बम्बई से ओम कटारे अपने ग्रुप के साथ आ रहे हैं, नादिरा जी आ रही हैं, लिलेट दुबे आ रही हैं। ये बम्बई से हमारे रेगुलर ग्रुप्स हैं जो बरसों से नाटक करते आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सब के लिए यहाँ आकर नाटक पेश करना। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, थैंक यू सो मच। वेल, ये आवाज थी नन अदर देन एक्टर रजित कपूर की, जिनके साथ हमारी लाइव ऑन एयर इस वक्त बातें हो रही थी। और आज से ही शुरू होने वाला है थिएटर इन मोशन थिएटर फेस्टिवल, 5 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक चलने वाला है जीडी बिरला सभागार में। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।